किसी साइंटिफिक लैब को दिखाते हुए जहाँ पर कुछ स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उनमें कुछ इंजेक्ट किया जा रहा था और फिर उन्हें जिस बॉक्स में बंद किया जाता है उसके ऊपर नासा लिखा हुआ था। यानी हो सकता है कि ये साइंटिस्ट इन स्पाइडर्स को स्पेस में भेजना चाहते हो और वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि वाकई कोई स्पेसशिप लॉन्च हो रही है, यानी जो मैंने आपसे कहा वो बिल्कुल ठीक था। अब सीन चेंज होता है और हम किसी कॉलेज की सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने कैंपस के लिए न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखा करती थी और कुछ रिपोर्ट्स तैयार किया करती थी। उसका नाम मार्सी होता है। उसे पता चलता है कि कोई कपल उससे मिलने आया है। वो जब उनके पास जाती है तो वो कपल काफी अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं, यानी जैसा कि हम एलियंस हैं, हम इस प्लैनेट से आए हैं। पहले तो मार्सी को उनकी बातों पर यकीन नहीं आता, तो वो उनसे और क्वेश्चंस पूछने लगती है कि अच्छा आप कहाँ से आए हैं, और वो उन्हें एक फोटोग्राफ भी दिखाती है। वो कोई डेजर्ट होता है और वहाँ पर मिलिट्री बेस भी थी, तो ये देखकर उस कपल में से हस्बैंड काफी डरने लगता है और मार्सी से कहता है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ दोबारा नहीं जाना, मैं इस जगह को देखना भी नहीं चाहता। वो काफी डरा हुआ था और कपल काफी परेशान हो जाता है। मार्सी को ये बात बड़ी अजीब लगती है। मार्सी फौरन से अपने एडिटर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि वो कपल कह रहा है कि वो मिलिट्री बेस काफी स्ट्रेंज है, उनकी तो ये देख के पसीने निकलने लग गए थे। तो एडिटर मार्सी से कहता है कि अपनी अकल का यूज करो, कोई एलियन कैसे हो सकता है, वो फेमस होने के लिए सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं कि वो न्यूज में आए, और तुम वो न्यूज कवर करो जो वाकई देखने लायक हो। अब जैसा कि कुछ साइंटिस्ट स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट करने स्पेस में जा रहे हैं, तुम उसको कवर कर लो यार। तो मार्सी कहती है पता नहीं कौन लोग हैं ये, मैं नहीं कवर करने वाली इस न्यूज को भी। कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि प्लैनेट में नहीं हो सकता, उसके लिए आपको स्पेस में जाना पड़ रहा है। मार्सी वहां से चली जाती है। उसके जहन में अभी तक उस कपल की बात चल रही थी। वो अपने दोस्तों से कॉन्टेक्ट करती है। वो उन दोनों से कहती है कि हम उस मिलिट्री बेस यानी उस डेजर्ट की तरफ जाएंगे। वो दोनों मेल थे और उनमें से एक लड़के का नाम स्लिक होता है। उसके दोस्त भी मार्सी से कहते हैं कि भला तुम्हें क्या शौक हो रहा है वहां जाने का। तो मार्सी कहती है कि यार खुद सोचो, उसके गिर्द इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है और जिस तरह से वो कपल इस पिक्चर को देख के डरा, मुझे तो कुछ अजीब ही लग रहा है और जाके देखने में क्या बुरा है। अब वो लोग उस तरफ चल पड़ते हैं, वो सारे अपनी जीप में होते हैं। दूसरी तरफ हमें उसी स्पेसशिप के क्लिप्स दिखाए जाते हैं। वो स्पेसशिप लॉन्च कर चुका था और साथ ही साथ वो लोग स्पाइडर्स में कुछ इंजेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिस जगह से वो लोग गुजर रहे थे वहाँ पर सूरज की रेस काफी ज्यादा थी। स्पेसशिप के सिस्टम में कोई एरर आ जाता है और वो क्रैश होने लगता है। स्पेसशिप क्रैश होता होता उसे डेजर्ट में आकर गिरता है जहाँ पर मार्सी और उसके दोस्त थे। स्पेसशिप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है और जाहिर सी बात है उसके अंदर जो लोग थे वो भी अब जिंदा नहीं बचे होंगे। मार्सी और उसके दोस्त काफी घबरा जाते हैं और उसको चेक करने उसके पास जाते हैं। स्पेसशिप से धुएं उठ रहे थे और वो बहुत गर्म था। मार्सी जब उसको चेक करती है तो अंदर के सारे लोग मरे होते हैं, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं लग रहे थे, वो कोई और ही क्रिएचर लग रहे थे क्योंकि उनकी बॉडीज फूल चुकी थी, स्वेल हो चुकी थी, उनकी शक्लें खराब हो चुकी थी और कुछ की बॉडीज तो बुरी तरह से खुली पड़ी थी। और स्पेसशिप का कैप्टन अभी भी जिंदा था और कुछ मूवमेंट कर रहा था। मार्सी और उसके दोस्त उसके पास जाते हैं, लेकिन वो लोग जाहिर है डर भी रहे थे कि इन्फेक्टेड है, कुछ हो ना जाए हमें। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और कुछ साइंटिस्ट आ जाते हैं, तो मार्सी और उसके दोस्तों को वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि वो लोग बिना परमिशन के यहाँ आए थे। वो लोग जाकर आर्मी के ट्रक में छुप जाते हैं, लेकिन तभी हमें उस जिंदा कैप्टन की बॉडी पर कोई स्पाइडर चलता हुआ दिखाई देता है। वो फीमेल स्पाइडर उसकी बॉडी में अंडा दे देती है और तभी वहाँ पर इस प्रोजेक्ट का लीडर आता है जो कि इस प्रोजेक्ट को देख रहा था। जब स्पेसशिप के अंदर आ रहा होता है तो उसका पांव स्पाइडर के ऊपर आ जाता है जिसने उस कैप्टन की बॉडी में अंडा दिया। वो काफी बुरी तरह से कुचला जा चुका था, लेकिन उसका साथी उससे कहता है कि इसे प्लास्टिक बैग में डाल लो, हम इस पर रिसर्च करेंगे। और फिर इसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि हम स्पेसशिप को एक्सप्लोर कर देंगे ताकि कोई भी इन्फेक्शन जैसी चीज बाहर ना सके और किसी को ये ना पता चल सके कि हमारा प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। लोगों को यही लगेगा कि स्पेस में जाकर कुछ हुआ, लेकिन उन डेड बॉडीज को पहले ही स्पेसशिप से बाहर निकाल लिया गया था। और अब पता है इन डेड बॉडीज को ये किधर डाल रहे थे? आर्मी के उसी ट्रक में जिसमें मार्सी और उसके दोस्त छुपे हुए थे। मार्सी को काफी गंदा फील होता है क्योंकि वो डेड बॉडीज आप तो खुद भी देख चुके हैं कितनी क्रीपी थी और इनको इन्फेक्शन लगने का भी खतरा था। अब ये लोग अपना ट्रक लेके उसी आर्मी बेस के नीचे मौजूद एक लैब में जाते हैं। वो सारे साइंटिस्ट उन डेड बॉडीज को बड़े आराम से निकाल रहे होते हैं, लेकिन वो तीनों यानी मार्सी और उसके दोस्त वहीं पर छुपे होते हैं। और जब वो लोग वहाँ से कहीं आगे पीछे होते हैं तो ये तीनों बाहर निकलकर कहीं छुप जाते हैं। अब वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट उस कैप्टन को निकालते हैं और एक लैब में ले जाते हैं, लेकिन उस लैब में पहुंचते ही ये सब हैरान रह जाते हैं। हर जगह काफी अजीब अजीब क्रिएचर्स प्रिजर्व की गई थी। वहाँ पर कुछ इंसानों को भी प्रिजर्व किया गया था और कुछ अजीब क्रिएचर्स को भी जो कि एलियंस जैसी लग रही थी। वहीं पर कैप्टन को लिटाया था जो कि अभी तक जिंदा था। मार्सी उसके पास जाती है और उससे बात करती है, तो वो काफी ज्यादा अजीब हालत में था। वो कहता है कि तुम्हें इन लोगों से बचना होगा, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। मार्सी ने उस लैब में मौजूद सब चीजों की फोटोग्राफ्स ले ली थी। उसके पास अब वाकई प्रूफ था कि ये आर्मी बेस कितनी स्ट्रेंज है। अब वो कैप्टन जिस तरह से बात कर रहा होता है उसका कोई भी वर्ड इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता, तो मार्सी कहती है कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन उसी वक्त ही कैप्टन के मुंह से एक अजीब सा और काफी बड़ा स्पाइडर बाहर आता है। मार्सी और उसके साथी भागने लगते हैं और ये शोर सुन के वहाँ पे बाकी साइंटिस्ट भी आ जाते हैं।
लेकिन वो स्पाइडर बहुत फास्ट था। वो उन सब पर अटैक करने की कोशिश में होता है और उन पर अपना वेब फेंकने लगता है। वो उन दोनों में से एक साइंटिस्ट को मार डालता है और दूसरी साइंटिस्ट का पीछा करने लगता है। मार्सी और उसके दोस्त वहां से बहुत मुश्किल से भागते हैं। हाँ, वो खतरनाक स्पाइडर फीमेल साइंटिस्ट को भी मार चुका था और इस तरफ मार्सी और उसके दोस्त एक कमरे में छुपे हुए थे। तभी उस जगह पर वहां का हेड भी पहुंच जाता है। जब देखता है कि एक कैप्टन और साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जैसे भी करके स्पाइडर को पकड़ो और मार दो बेशक। अब दूसरी तरफ मार्सी और उसके दोस्त वहां से निकलते हैं। वो किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर स्टेयर्स होती हैं और काफी ज्यादा स्पाइडर वेब यानी जाले लगे हुए थे। मार्सी कहती है हो ना हो इनमें से कोई स्पाइडर यहां भी है कि तभी वो स्पाइडर वाकई आ जाता है। वो मार्सी और स्लिक के दूसरे साथी पर हमला कर देता है, उसके पांव पर काट लेता है। तो स्लिक उस स्पाइडर को पंच मारता है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। वो तीनों डर कर बैठे होते हैं कि उन्हें एक रूम दिखाई देता है जिसके बाहर प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। मार्सी और उसके साथी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि डिफरेंट जार्स में काफी ज्यादा स्पाइडर्स रिजर्व किए गए हैं। हो सकता है कि कई एक्सपेरिमेंट्स के लिए। वो तीनों जगह को चेक करने लगते हैं। मार्सी और स्लिक का दूसरा साथी बहुत अच्छा हैकर था तो वो वहाँ का कंप्यूटर हैक कर लेता है। जब मार्सी इधर उधर चीजें चेक कर रही होती है तो उसे एक फोटोग्राफ मिलती है। वो देख के हैरान रह जाती है कि वो उसी कपल में से मेल की होती है। वो जो इस जगह की पिक्चर देख के डर गया था वही इंसान बल्कि एलियन, क्योंकि वो तो खुद को एलियन कह रहा था। अब मार्सी का दोस्त कंप्यूटर हैक कर चुका था। ये लोग वहां से सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं तो इनको ये पता चलता है कि ये लोग इन स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये स्पाइडर इंसानों में अपने अंडे दे देते थे और फिर ये अंडे इंसानों की बॉडी में ही भरते थे, यानी ये किसी पैरासाइट की तरह थे। और वो लोग स्पाइडर्स में जो चीज इंजेक्ट कर रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि एलियंस के सेल थे और इनको स्पेस में इसलिए ले जाया जा रहा था ताकि एलियंस के माहौल में इन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। अभी ये लोग ये चीज देख ही रहे होते हैं कि इनके सामने एक और अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन आती है और वो ये कि स्पाइडर्स बहुत ज्यादा जहरीले यानी पॉइजनस है और अगर ये एक बार किसी को काट लें तो उस इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मार्सी और स्लिक का दोस्त काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसको स्पाइडर ने काट लिया था। वो डर के पीछे हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसका जख्म काफी बिगड़ रहा है और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा और ये भी कि वो जल्द मारा जाएगा। वो उनसे कहता है कि मैं अब स्पाइडर को नहीं छोड़ूंगा और वो उसे मारने के लिए बाहर निकल जाता है, लेकिन वहां जाते ही उसकी बॉडी डिफॉर्म और स्वेल होने लगती है। मार्सी और स्लिक काफी परेशान होकर उसके पीछे जाते हैं लेकिन देखते हैं कि वहां पर उनका दोस्त नहीं है बल्कि उसकी ग्लासेस और काफी ज्यादा खून फैला हुआ है। इसका यही मतलब था कि वो मारा गया। अब मार्सी और स्लिक काफी डरे हुए थे और यहाँ से जल्द निकलना चाहते थे तो उनको एक एलिवेटर दिखाई देता है यानी लिफ्ट। वो लोग उसमें जाते हैं कि इससे ऊपर जा सकें लेकिन वो लिफ्ट रास्ते में ही रुक जाती है। अब ये लिफ्ट के बैक साइड पे स्टेयर्स को यूज करके ऊपर जाने लगते हैं लेकिन जैसे ये लोग ऊपर पहुंचते हैं तो इनका सामना एक बहुत बड़े स्पाइडर से होता है। वो बाकी स्पाइडर्स के मुकाबले में काफी ज्यादा ह्यूज था। ये लोग काफी डर जाते हैं और ये लोग नीचे गिर जाते हैं जहाँ पर स्पाइडर का काफी ज्यादा वेब था और ये लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं। उतनी ही देर में वो ह्यूज स्पाइडर नीचे आ रहा होता है इन दोनों पर अटैक करने के लिए, लेकिन मार्सी जैसे तैसे करके उस वेब से बाहर आ जाती है लेकिन बेचारा स्लिक अभी तक उस वेब में था। मार्सी उसे बचा रही होती है लेकिन स्लिक कहता है कि तुम जाओ इससे पहले कि स्पाइडर यहाँ आ जाए और हम दोनों को मार दे। मार्सी ऐसा नहीं करना चाहती थी कि वो स्लिक को यहाँ अकेला छोड़ दे लेकिन उसे अपनी जान तो बचानी थी ना, तो वो वहां से चली जाती है और वो स्पाइडर वहां आकर स्लिक पर हमला करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ इस आर्मी बेस में सोल्जर्स भी उस स्पाइडर को ढूंढ रहे होते हैं जो कि हेड ने ऑर्डर दिया था कि उस स्पाइडर को चाहे जिंदा चाहे मार कर लाओ, लेकिन उनको वो स्पाइडर कहीं भी नहीं मिल रहा होता। वो स्पाइडर चुपके से सब सोल्जर्स को मारे जा रहा होता है। अब उस प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज था वो भी स्पाइडर को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसकी नजर मार्सी पर पड़ती है। वो मार्सी से कहता है कि रुको तुम कौन हो, लेकिन मार्सी उसे इग्नोर करते हुए वहां से भाग जाती है। अब वो इंचार्ज यानी प्रोजेक्ट का लीडर उसका पीछा करने लगता है। वो उसे काफी बार बुलाता है लेकिन मार्सी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी वरना वो पकड़ी जाती, लेकिन वो इंचार्ज आखिरकार मार्सी को पकड़ ही लेता है और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। मार्सी खुद को छुड़वा के वहां से भागना चाह रही थी लेकिन वो उसे नहीं छोड़ रहा था और वो ये भी हैरान था कि यहाँ कैसे आई। इसी दौरान लड़ते लड़ते वो दोनों पानी में गिर जाते हैं जो कि डीप किसी खाई में था। वहां पर स्पाइडर भी आ जाता है जो कि उस इंचार्ज पर अटैक कर देता है, लेकिन मार्सी वहां से भी अपनी जान बचाकर बाहर आ जाती है। वो पास पड़ी एक रोड उठाती है और उससे उस स्पाइडर को जख्मी कर देती है। मार्सी ने यहां पर उस इंचार्ज की यानी लीडर की जान बचाई थी। वो लीडर उसे काफी इंप्रेस होता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के हेड की नजर इन दोनों पर पड़ती है। वो इस इंचार्ज से पूछता है कि तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। इनफैक्ट वो मार्सी के बारे में जानता था और उसे काफी नफरत किया करता था क्योंकि मार्सी न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ यानी उसके अगेंस्ट काफी आर्टिकल्स लिखा करती थी और ये बात हेड को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हेड काफी बुरा इंसान था और वो गुस्से में मार्सी से कहता है कि शुक्र है तुम मुझे मिल गई, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा ताकि तुम दोबारा मेरे अगेंस्ट कुछ ना लिख सको। वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है और शूट करने ही वाला होता है कि तभी स्पाइडर दोबारा से वहां आ जाता है। वो अपना वेब उसके गिर्द लपेटने लगता है और अब
अब इस प्रोजेक्ट का हेड वेब के अंदर लिपटा हुआ था और वो स्पाइडर इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसकी बॉडी के अंदर अपने अंडे दे देती है। यानी अब इस हेड की बॉडी भी डिफॉर्म होने वाली थी और यह मरने वाला था। अब मार्सी और उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज वहां से भाग रहे होते हैं। वो सीधा एलिवेटर में जाते हैं और ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन स्पाइडर पता नहीं कैसे लिफ्ट के नीचे आ चुका था और वो लिफ्ट को नीचे से तोड़ने लगता है। इसके बाद वो अंदर भी आ सकता था। प्रोजेक्ट इंचार्ज को एक आइडिया आता है और वो लिफ्ट में मौजूद ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है, जिससे लिफ्ट नीचे जाने लगती है और इस वजह से नीचे मौजूद स्पाइडर बिल्कुल क्रश हो जाता है। उसमें से काफी गंदा फ्लूइड निकलता है। अब ये दोनों किसी न किसी तरह से इस जगह से बाहर निकल आते हैं। अब ये दोनों फाइनली इस क्रीपी सी लैब से बाहर थे और अभी आर्मी बेस में आ जाते हैं तो देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का हेड अभी भी जिंदा था और वो चेयर पर बैठा हुआ था। मार्सी उसे पूछती है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो स्पाइडर ने काट लिया था और तुम्हारी बॉडी में उसने अंडे दे दिए थे। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं स्ट्रांग हूँ। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि वो बच ही नहीं सकता। उसको खून की उल्टी आने लगती है, यानी वो वॉमिटिंग करने लगता है और साथ ही साथ उसकी बॉडी से स्पाइडर की टांगे बाहर आने लगती है और अचानक से एक बड़ा सा स्पाइडर उसकी बॉडी को चीरते हुए बाहर आ जाता है। मार्सी और वो इंचार्ज वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते वह लोगों में आ जाते हैं। वो स्पाइडर भी उनका पीछा कर रहा था। अब बाहर के लोग इतना बड़ा स्पाइडर देख के काफी डर जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्पाइडर होना नॉर्मल बात नहीं थी। वो स्पाइडर उन लोगों को मारने लगता है। वो स्पाइडर बहुत बुरे तरीके से अपने दांतों से उन लोगों को मारे जा रहा था। मार्सी को और उस प्रोजेक्ट इंचार्ज को एक चीज दिखाई देती है, जो कि था रॉकेट लॉन्चर। उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग फायर निकलता था। इंचार्ज उससे उस स्पाइडर पर शूट करता है तो उसका निशाना मिस हो जाता है। अब मार्सी और इंचार्ज हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, जो कि उस प्रोजेक्ट हेड का था, क्योंकि ऊपर से उनको साफ दिखाई दे सकता था कि स्पाइडर गया कहाँ। अब वो लोग उस स्पाइडर को ढूंढ लेते हैं और उसके पास अपना हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं। अब मार्सी खुद रॉकेट लॉन्चर उठाती है और स्पाइडर पर अटैक करने लगती है उस पर शूट करके। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करती, वो स्पाइडर उनके हेलीकॉप्टर पर ही हमला कर देती है। इस अटैक की वजह से मार्सी नीचे गिर जाती है, लेकिन लकीली उसने अपने पेट के साथ एक रस्सी बांध रखी थी, जो कि उसे गिरने से बचा लेती है। मार्सी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारती और दोबारा से उस पर शूट करती है। अब फाइनली मार्सी का निशाना स्पाइडर पर लग जाता है और वो स्पाइडर की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। मार्सी और वो इंचार्ज काफी खुश होते हैं। मार्सी खुशी से चिल्लाती है और इसी के साथ ये मूवी यही